आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेक्शन ब्रेक के ऊपर। हमारे नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में और भी वीडियोस अवेलेबल है ब्रेक्स के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर, प्लीज आप वहां से चेक कर लीजिए। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ब्रेक के ऊपर। अभी सेक्शन ब्रेक क्या होता है? नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप करते होंगे, डिजाइन में जाके पेज बॉर्डर देते होंगे, राइट। यहां से आपको जो भी डिजाइन पसंद आती हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर आया वो क्या हुआ है, पूरे सब पेजेस पे आया है। हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल 8 पेजेस दिखा रहा है। अब हम सेकंड पेज पे स्टे कर रहे हैं या और भी स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो हर पेज में क्या हो रहा है, सेम बॉर्डर रिपीट हुआ है, राइट। लेकिन हमें अभी ऐसे नहीं चाहिए, हम पेज बॉर्डर में इसको नन कर देते हैं। और जैसे ये अभी हमारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हम पेज लेआउट में इसका ओरिएंटेशन चेक करते हैं, क्या दिखा रहा है, पोर्ट्रेट में दिखा रहा है। अब हमें इसको जस्ट फर्स्ट पेज लैंडस्केप में चाहिए, फर्दर पेजेस जो है वो पोर्ट्रेट में चाहिए। अगर हमने यहाँ लैंडस्केप कर दिया तो देखिए क्या हो गया, फुल डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने अगेन इसको पोर्ट्रेट कहा तो फुल का फुल डॉक्यूमेंट इट इज 8 पेजेस के 8 पेजेस पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ये हर पेज पे अलग मैटर फॉलोअप होना चाहिए। जैसे हमें चाहिए फर्स्ट पेज पे अलग पेज बॉर्डर, सेकंड पेज पे अलग पेज बॉर्डर, प्लस ओरिएंटेशन हर एक पेज का अलग चाहिए। इवन टू आप हर पेज की साइज मेंटेन अलग से कर सकते हैं, फर्स्ट पेज का साइज क्या होना चाहिए, सेकंड पेज का साइज क्या होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पेज लेआउट के ब्रेक के अंदर आना होगा सेक्शन ब्रेक्स में। जैसे ये नेक्स्ट पेज है और ये कंटिन्यूअस दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज यहाँ पे भी है ऊपर भी है, लेकिन वो पेज ब्रेक बेसिस पे होता है। जो हमारे हमारे चैनल पे और भी वीडियोस इसके अवेलेबल हैं, प्लीज आप वहां से चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे आते हैं सेक्शन ब्रेक के ऊपर। अब जैसे कर्सर को हम यहाँ पे रख रहे हैं एंड में, फर्स्ट पेज के एंड में, ब्रेक में जाके जस्ट सिंपल सा सेक्शन नेक्स्ट पेज दे रहे हैं, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गई। अगर हमें वेरीफाई करना है तो आप होम से आके यहाँ से ये पैराग्राफ ऑन ऑफ का फंक्शन जो है उसे ऑन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज के लिए अप्लाई हो चुका है। हम फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये सेकंड पेज के एंड में आ गए जहाँ पे ये देम लिखा हुआ है। पेज लेआउट में ब्रेक में हमने ये नेक्स्ट पेज कर दिया एज पर सेक्शन ब्रेक, ऑन किया, देखिए देन के बाद आ गया, ये सेक्शन ब्रेक लग चुका है। और ये सेकंड पेज है, जिसमें जो थर्ड पेज है वो थर्ड पेज ही रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। इवन अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख के ब्रेक में आके यहाँ पे कंटिन्यूअस कह रहे हैं, ये कंटिन्यूअस पेज वही रहेगा, लेकिन अभी ऊपर का जो पोर्शन है वो अलग हो चुका है और नीचे का पोर्शन अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेक्शन ब्रेक लगा दिया। पेज वही हो लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस पे होना चाहिए, लेकिन ब्रेक भी होना चाहिए। और ये जो है ऑप्शन नेक्स्ट पेज, वो क्या करे, एकदम ही पेज नेक्स्ट कर रहा है, और ये सेक्शन ब्रेक जो कंटिन्यूअस है वही पेज पे रहेगा, लेकिन क्या करेगा, सिस्टम को चेंज कर देता है, बीच में ब्रेक लगा देता है। और अगर आपने बीच में कर्सर रखा और यहां से नेक्स्ट पेज कह दिया तो देखिए यहां पे अभी ये जो देम का ऑप्शन है, टू चेंज वाला ऑप्शन है, ये एकदम ही नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा अगर आपने नेक्स्ट पेज का सेक्शन अप्लाई किया तो। ये देखिए हो गया, ये टोटली पेज पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, यहाँ पे आ गया सेक्शन ब्रेक। अब ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने होम से ये पैराग्राफ ऑन ऑफ का फंक्शन एक्टिव करके रखा है। आप इसको हाइड कर लीजिए, ये कुछ भी इंडिकेटर नहीं दिखाएगा, आप चाहे तो उसको ऑन कर लीजिए। ओके, अभी आते हैं हम जैसे पेज बॉर्डर पहले लगा रहे थे, हम फर्स्ट पेज पे रुके हुए हैं, डिजाइन में जाके पेज बॉर्डर में आए, पेज बॉर्डर में आके यहां से आपको जो भी बॉर्डर चाहिए, जैसे हमने पहले ये रखा था, अब यहां पे सिर्फ ध्यान देना है आपको अप्लाई कहां होना चाहिए, होल डॉक्यूमेंट, हमने कहा दिस सेक्शन, ओके किया, देखिए ये अभी फर्स्ट पेज पे ही रहेगा, आया सेकंड पेज पे और अदर पेजेस पे नहीं आया है, क्योंकि ये सेक्शन ब्रेक हो चुका है। अगेन हम सेकंड पेज पे कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए, डिजाइन के पेज बॉर्डर में आइए और यहां से कोई दूसरा बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए, इसका विड्थ आपको जैसे चाहिए आप इंक्रीज कर लीजिए। यहां पे होल डॉक्यूमेंट ना कह के आपको क्या करना है, दिस सेक्शन, ओके किया, तो ये जो बॉर्डर है देखिए ये सिर्फ इसी पेज पे आया है, उसने अपने सेक्शन के बेसिस पे कवर किया है, दूसरे में उसने शिफ्ट नहीं किया। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है, ये कंटिन्यू बेसिस पे है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, पेज लेआउट में कॉलम्स में आ रहे हैं और इसे टू कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, देखिए आ गया ये एज पर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू, ये सिर्फ इसी एरिया में टू कॉलम में डिवाइड कर लिया, बाकी फर्दर में उसने कुछ भी डिपेंडेंट नहीं किया है, कुछ फर्दर चेंजेस नहीं की है।
इवन अगर आप चाहते हैं जैसे अभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मैटर है वो आपको कवर कराना है तो आप कहीं पे भी कर्सर रखिए, यहाँ पे जैसे हम कर्सर रख रहे हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन हमने लैंडस्केप कर लेते हैं। ये लैंडस्केप देखिए हुआ, हम इसका जूम कम करके आपको दिखा रहे हैं, ये जूम कम कर लेते हैं, ये देखिए है जूम कम पर इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए पहले जो ऑप्शंस थे सब इसके सब पेजेस क्या है पोर्ट्रेट में है, लेकिन ये एक पेज हमारा क्या हो गया लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने सेक्शन ब्रेक के हेल्प से उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये फंक्शन के हेल्प से आप अलग अलग पेजेस को पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में अलग अलग बॉर्डर के बेसिस पे काम करा सकते हैं, इवन उसके साथ साइज भी पेजेस की चेंज करा सकते हैं। सपोज हम अभी इसका इंक्रीज कर लेते हैं जूम फंक्शन, ये जूम फंक्शन को इंक्रीज कर लिया हमने, ओके। अब जैसे ये हमारा लैंडस्केप में हो चुका है, अभी ये जो पोर्शन है यहां पे हमारा कोई भी ब्रेक लगा हुआ नहीं है तो हमने इसको कर्सर को लास्ट में रख दिया और पेज लेआउट के ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। यहां पे आ गया सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज के बेसिस पे। अब ये जो पेज है इसकी साइज हमने इसकी साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं कोई और भी फंक्शन, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको हमने लेटर साइज में लगा देना है, लीगल साइज में लगा देना है। अभी जो इफेक्ट आया वो इसी पेज को आएगा, हम इसका जूम कम करके दिखा लेते हैं आपको, ये देखिए आया ये फंक्शन। अभी देखिए यही पेज एक जो है वो हाइटेड में दिख रहा है क्योंकि हमने इसको लीगल साइज में कर दिया, बाकी जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल लेटर साइज में इफेक्टेबल हैं। अगर आप चाहें इसका साइज में या आप इसका मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं, सपोज हमने इसको नैरो में कन्वर्ट कर दिया, देखिए सिर्फ इसी पेज में इफेक्ट आएगा, किसी और पेजेस में इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सेक्शन ब्रेक के हेल्प से आप हर पेज की अलग साइज अलग मार्जिन बॉर्डर्स सब अलग अलग करके सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको जूम नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे ब्रेक्स का, उसमें सेक्शन ब्रेक्स, बाकी फर्दर जो नॉर्मल ब्रेक्स हैं पेज ब्रेक कॉलम ब्रेक उसके लिए हमारे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज आप वहां से चेक कर लीजिए। तो ये था आज का टॉपिक हमारा सेक्शन ब्रेक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।